हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था नॉलेज, नॉलेज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और एक था नॉलेज पिरामिड। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हमने कवर कर ली। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा टाइप्स ऑफ नॉलेज। अब टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या है, मतलब नॉलेज के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात तो नॉलेज के 5 टाइप्स होते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नॉलेज के कौन से 5 टाइप्स होते हैं और उनका मीनिंग क्या है। ये एक डायग्राम के हेल्प से शो किया गया कि कितने टाइप्स होते हैं और कौन सा किससे रिलेट करता है। फर्स्ट टाइप होता है स्ट्रक्चरल नॉलेज। स्ट्रक्चरल नॉलेज क्या करती है, वो रिलेशनशिप बताती है ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट के बारे में। फिर आता है डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज कौन सी नॉलेज को बताती है, ऑब्जेक्ट और उसके फैक्ट के बारे में। फिर आता है प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज किसको बताती है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में। नेक्स्ट मेटा नॉलेज। अभी मेटा नॉलेज क्या होता है, जो नॉलेज अबाउट नॉलेज होती है। फिर आता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मींस रूल्स ऑफ थर्म्स। ठीक है, अब जो फर्स्ट हम रीड करेंगे नॉलेज वो कौन सा टाइप है, डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेयर एक्टिव नॉलेज, क्या मीनिंग बना इसका, डिक्लेयर एक्टिव। डिक्लेयर मींस डिक्लेयर करना, कुछ चीज कह देना, डिक्लेयर कर देना कि ये चीज ऐसे है। कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी ऐसा रूल हो सकता है कि जो हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उस डिक्लेयर को एक्टिव कर देना, दैट इज डिक्लेयर एक्टिव नॉलेज। ये देखो अभी हमें किसके बारे में बताता है, इट इज नो अबाउट समथिंग। ये क्या करता है, इट इज नो अबाउट समथिंग, मतलब इसको कुछ के बारे में पता होता है। समथिंग, समथिंग का मतलब क्या होता है, समथिंग में कुछ चीज के बारे में इसको पता है, दैट इज नो अबाउट, वो जानता है कुछ चीज के बारे में, वो होती है हमारी डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब जैसे कि हमें, हमने लास्ट वीडियो में भी एग्जाम्पल लिया था AI का, कि AI एक ऐसी फील्ड है जिसको यूज तो मोस्टली पीपल करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन की नॉलेज होती है कि वो क्या चीज है, कौन सी फील्ड है, वो किसी किसी को पता होते हैं। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज का मीन्स होता है कि हमें सिर्फ इतना पता है, हमें इतना कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता AI के बारे में, बस इतना पता है कि AI कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, मैकेनिकल की फील्ड है जिसमें वो वर्क करती है। ठीक है, और AI की हेल्प से हमारा काम जो है वो ईजी हो जाता है, हमें सिर्फ इतना पता है, दैट इज डिक्लेरेटिव नॉलेज। ये डिक्लेयर हो चुकी है नॉलेज, बट हमें अभी पता चली। समझ में आई, डिक्लेरेटिव का मतलब क्या है, जो चीज डिक्लेयर हो चुकी है, एक्टिव भी है, उस नॉलेज को हम गेन कर रहे हैं। ये नॉलेज तो डिक्लेयर हो चुकी है ना कि AI एक ऐसी फील्ड है जो कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग फील्ड्स में होती है, और AI जो है हमारे काम को और इजी कर देती है। ये काम डिक्लेयर हो चुका है, ये जो रूल है, ये जो बात है, वो डिक्लेयर हो चुकी है और एक्टिव भी है, क्योंकि आजकल जितनी भी एप्लीकेशन है वो किसकी तरफ फॉरवर्ड हो रही है, किसकी तरफ हो रही है फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड हो रही है AI की तरफ। ठीक है, दैट इज ओवर नॉलेज। जो चीज डिक्लेयर हो चुकी है, उस नॉलेज को अगर हम गेन कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ भी पता है ना, दैट इज ओवर डिक्लेरेटिव नॉलेज। अभी डिक्लेरेटिव नॉलेज में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, इट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्या क्या होता है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई टर्म है तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी होगा ना। अब जैसे AI के अंदर ही एक टर्म है नॉलेज, तो इस नॉलेज का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने का कुछ फैक्ट है। ठीक है, और ये क्या हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे हम एक पर्सन है, हम एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने फैक्ट्स हैं, नॉलेज हैं, कॉन्सेप्ट सबका अलग अलग है। एक एक सिंगल थिंग को अंडरस्टैंड करने का भी जो तरीका होगा, जो वे होगा, वो टू डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट ही होगा, सेम नहीं हो सकता। इट इज सिंपलर देन द प्रोसीजरल नॉलेज, या प्रोसीजरल नॉलेज से सिंपल होता है, जो प्रोसीजरल नॉलेज में क्या होता है, रूल्स होते हैं, बट ये उसे सिंपल होता है, क्योंकि इसके अंदर हम फैक्ट्स को देखते हैं, रूल्स को नहीं देखते। हम रूल्स नहीं देखेंगे कि अच्छा ये रूल है, देन इसको अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वाले का आंसर क्या निकलेगा, बट हम फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं, फैक्ट्स को कंसीडर करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, इसको हम डिस्क्रिप्टिव नॉलेज कहते हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज डिस्क्राइब की जाती है, कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया, फैक्ट्स को डिस्क्राइब किया, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, तो हर चीज हम डिस्क्राइब करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस इसको हम डिस्क्रिप्शन नॉलेज भी बोलते हैं। एंड एक्सप्रेस डिक्लेरेटिव सिंटेंस, और इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, डिक्लेरेटिव सिंटेंस में, मतलब इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है कि उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इस तरह से बोला जाता है, उसको प्रोनाउंसिएशन या रीड किया जाता है। फिर आता है डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड इट्स एट्रीब्यूट, हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और उसके एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और उसके जो भी एट्रीब्यूट है उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमारे पास, आप कह सकते हो एक ऑब्जेक्ट है हाउस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस। उस हाउस में कितने रूम्स हैं, डेट इज देयर एट्रीब्यूट, और उस हाउस का जो है एड्रेस क्या है, अंदर कलरिंग कौन से कलर की है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी थिंग के बारे में भी अगर आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो, डेट इज ऑब्जेक्ट, एंड उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया जा रहा है वो उसका एट्रीब्यूट और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, इसके अंदर क्या होता है,
लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, मतलब स्टेटमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनी होती है। डेटा फुली डिस्क्राइब द सम ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट, जो हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक डिस्क्राइब किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक ऑब्जेक्ट को उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, डेट इज मोर फुली डिस्क्राइब। इट डिस्क्राइब बट इज नन अबाउट द प्रॉब्लम, ये साथ में ये भी बताता है कि हम उस प्रॉब्लम के बारे में क्या जानते हैं जिसको हम सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मैथ की एक इक्वेशन है, हमने लिखा कि अंडर रूट 4 - 2, तो हमें ये इसके फैक्ट, इसके नॉलेज कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए ना कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता लगा होना चाहिए कि 4 में से अगर 2 को हम माइनस कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। ऊपर अंडर रूट है तो पहले अंडर रूट को सोल्व करें या माइनस को सोल्व करें, तो कॉन्सेप्ट का तो हमें पता होना चाहिए ना, नहीं तो हम कैसे एक पर्टिकुलर सोल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि ऐसा अगर हमारे पास स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें प्लस माइनस सबका कॉम्बिनेशन है, तो उसको सोल्व करने के लिए हमें इसमें बोर्ड मास अप्लाई करना पड़ता है। बोर्ड मास एक रूल है जिससे हम उसको अप्लाई करेंगे और ये पता लगेगा कि सबसे पहले सिंबल हमें कौन सा सोल्व करना है, नहीं तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। कोई प्लस का सिंबल पहले सोल्व करेगा, कोई माइनस का करेगा, कोई मल्टीप्लाई, कोई डिवाइड, कोई मॉडुलस, मतलब अलग अलग ऑपरेशन है, सबका आंसर भी जो है फिर उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ही आएगा। इसलिए हर एक सिचुएशन को, हर एक प्रॉब्लम को हमें पहले डिस्क्राइब करना आना चाहिए। प्रॉब्लम डिस्क्राइब होगी तो उसका सोल्यूशन भी ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। तो अगर हम डिक्लेरेटिव नॉलेज की बात करते हैं तो डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंदर हमें प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस प्रॉब्लम के पीछे का फैक्ट क्या है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। आता है नेक्स्ट प्रोसीजरल नॉलेज। अभी प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है, अभी हमने देखा कि ये रूल्स पे काम करती है। प्रोसीजर, सिंपल एक वर्ड लो, प्रोसीजर। अभी प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर का मतलब ही क्या होता है, एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं, और प्रोसीजर को हम फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजरल का मीनिंग क्या निकला, प्रोसीजर का मतलब ये है जो एक प्रोसेस के थ्रू काम करेगी, उसका डिफाइंड प्रोसेस है। अगर हम किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो उसके स्टेप्स जो है वो पहले से ही डिपेंडेड है। सपोज करो कि हमें एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने के जो भी स्टेप्स होंगे वो सबके लिए सिमिलर रहेंगे। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो सबके लिए सिमिलर रहेगी, चाहे आप कौन से भी टाइप का फॉर्मेट यूज कर लो, उसके साथ कोई भी मेथड यूज कर लो, बट जो लाइफ साइकिल है वो सबके लिए सेम रहेगी, है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स को बनाएंगे, डॉक्यूमेंट के बाद डिजाइनिंग फेज आएगा, डिजाइनिंग के बाद कोडिंग आएगी, कोडिंग, टेस्टिंग, ऐसे फिर लास्ट में मेंटेनेंस। जो भी लाइफ साइकिल होती है वो सिमिलर रहती है सबके लिए। डेट इज क्यों, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि वो एक रूल है, उस रूल को सबको फॉलो करना पड़ेगा, रूल से तो नॉलेज बिल्ड हो रही है। तो इसलिए प्रोसीजरल नॉलेज क्या होती है, जिसमें स्टेप्स जो है पहले से डिफेंडेड हो, कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहे हैं तो उस प्रॉब्लम के जो स्टेप्स है पहले से डिफेंडेड है। इससे क्या होता है कि अगर फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ी और वैसे ही प्रॉब्लम अगर हमने पास्ट में सोल्व कर रखी है, तो उससे हमें एक स्टेप पता लग जाता है, फर्स्ट हमें कैसे उस प्रॉब्लम को डिकम्पोज करना है और कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। इट इज ऑल्सो नोन एज इम्पैरेटिव नॉलेज। जैसे हम डिक्लेरेटिव नॉलेज को डिस्क्रिप्टिव नॉलेज बोलते हैं, वैसे प्रोसीजरल को हम इम्पैरेटिव नॉलेज भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ नॉलेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग हाउ टू समथिंग। मतलब जो प्रोसीजरल नॉलेज है वो हमें ये बताती है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि वो हमें ये डिस्क्राइब करे, ये बताए कि हमें करना कैसे है। डिक्लेरेटिव नॉलेज हमें ये बताती है व्हाट इज नो अबाउट द प्रॉब्लम, कि हम प्रॉब्लम के बारे में कैसे जाने, कैसे उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, मतलब क्या डिस्क्राइब करना है हमें उसके बारे में, कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम क्या चीज़ डिस्क्राइब करें, कौन से क्वेश्चंस को पुट करें। बट प्रोसीजरल नॉलेज ये बताती है कि हम कैसे करें। ठीक है, एक तो क्या करें वो एक अलग चीज़ है, कैसे करें वो एक अलग पार्ट है। तो प्रोसीजरल नॉलेज हमें बताती है कि नोइंग अबाउट हाउ टू डू समथिंग, हाउ टू डू समथिंग, कि हमें कुछ करना है तो वो कैसे करना है। इट कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द टास्क, इसको हम डायरेक्टली अपने टास्क और अपने प्रॉब्लम पर अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके प्री डिफाइंडेड रूल्स है। इसलिए इट इंक्लूड द रूल्स, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर्स, एजेंडाज एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, प्री डिफाइंडेड स्ट्रेटजीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, एजेंडाज होते हैं, मतलब अपना एम होता है कि इसको काम, इस टास्क को परफॉर्म करने के पीछे हमारा क्या एजेंडा है, क्या टास्क, क्या हमारा मेन एम है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। इट डिपेंड ऑन द टास्क ऑन विच इज टू बी अप्लाइड, ये उस टास्क पर डिपेंड करता है जिस पर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं। मतलब हमें प्रॉब्लम को देख कर उस पर नॉलेज अप्लाई करनी चाहिए, हमें कौन सी नॉलेज उस पर अप्लाई कर सकते हैं। टाइप हाउ प्रॉब्लम इज सोल्व, ये हमें ये भी बताता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कैसे बताएगा, स्टेप के थ्रू बताएगा, वापस घूम फिर के वही चीज़ें आ रही है कि स्टेप जो है प्री डिपेंडेड होते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि हमें काम कैसे करना है, प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कैसे करना है। दिस इज द टाइप ऑफ नॉलेज विच प्रोवाइड द डायरेक्शन और हाउ टू डू समथिंग। वापस वही,
कि हाउ टू डू समथिंग, हम कैसे क्या करें, उसकी हमें एक डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है कि सबसे फर्स्ट स्टेप पर आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करो, फर्स्ट ऐसे करो, सेकंड ऐसे करो, थर्ड स्टेप या फोर्थ है, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। बचे हुए जितने भी हमारे पास नॉलेज के टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।